हेलो फ्रेंड्स, मैं हाजिर हूँ एक नई वीडियो के साथ। तो आज हम बनाएंगे साबूदाना की शुगर फ्री खिचड़ी। और ये रेसिपी बहुत ही ज़्यादा सिंपल है। मैंने पैन चढ़ा दिया है और इसमें ऐड किया है 3 चम्मच ऑयल। अब हम इसमें ऐड कर रहे हैं 1/2 चम्मच जीरा, जिसको हम अच्छी तरीके से भून लेंगे। और इसमें ऐड कर रहे हैं 2 मिर्ची जो बारीक कटी हुई है। अब मिर्ची को भी अच्छी तरीके से भून लेंगे। मिर्ची को हम अच्छे तरीके से फ्राई कर लेंगे। फिर उसके बाद ऐड करेंगे शुगर फ्री आलू, और आलू को भी हमें अच्छे से ही पकानी है और थोड़ी क्रिस्पी कर लेंगे। तब तक आलू हो रही है फ्राई और पक रही है, तब तक आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, शेयर कर दीजिए और लाइक कर दीजिए। तो आलू को हम पकाते समय चलाते भी रहेंगे बीच बीच में, जिससे हमारी आलू जले नहीं और अच्छे से पक भी जाए और फ्राई भी हो जाए। तो आप देख सकते हैं जैसे हमारी आलू पक चुकी है। तो अब हम इसमें क्या ऐड कर रहे हैं, रोस्टेड मूंगफली जो मैंने पहले से ही थोड़ा सा फ्राई करके रखा हुआ था। तो आपके पास अगर रोस्टेड फ्राई मूंगफली नहीं रखी हुई है तो आप पहले फ्राई कर लीजिएगा, फिर उसके बाद इसमें ऐड करिए मूंगफली को। 1-2 मिनट चला लीजिए, मतलब कि फ्राई कर लीजिए, और फिर इसमें ऐड कर दीजिए सेंधा नमक आवश्यकता अनुसार। तो सेंधा नमक तुम्हारा ऐड हो गया है, तो अब ऐड कर दीजिए साबूदाना जो मैंने 40 मिनट के लिए भिगो के रखा था थोड़े से पानी में। तो पानी की क्वांटिटी इतनी हो कि साबूदाना पूरा पानी सोख ले और उसमें पानी नहीं बचे और वो दानेदार हो जाए। बट दाना अच्छे से फूटना चाहिए। अब साबूदाना फूटेगा कैसे, तो हमें एक दाना दोनों उंगलियों के बीच में रखना है और उसे मसल देना है। ध्यान रहे बातें करते करते ये मत भूल जाइए कि साबूदाना को चलाना भी है, क्योंकि साबूदाने को पकाना है अच्छे तरीके से। तो हम इसे अच्छे से चलाते रहेंगे और जिससे हमारा साबूदाना अच्छे तरीके से पक जाए और खाने में टेस्टी लगे। साबूदाना को कम से कम 15 मिनट फ्राई कर लेना है अच्छे तरीके से, और जिससे अच्छी तरीके से पक जाए। और चेक कर लें कि पका है या नहीं। तो चेक करने के लिए भी हमें वही कोशिश करना है जो हमने पहले किया था। एक दाना खाएंगे और दोनों निकल देंगे। अगर दाना फूट जाता है तो हमारा साबूदाना रेडी है। देखिए, आपसे बातें करते 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 मेरा साबूदाना पक गया है और रेडी हो चुका है, अभी खाने के लिए तैयार है। चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक आप इंजॉय करिए।